नमस्कार, बी टाउन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकितार। चलिए नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ प्रमुख खबरों पर। सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म टाइगर 3 थिएटर्स में चल तो रही है, मगर इस फिल्म के लिए क्रेज उतना तूफानी नजर नहीं आ रहा जितना इस साल की बड़ी फिल्म पठान, जवान या गदर 2 के लिए था। 5 दिन बाद भी सलमान की फिल्म 200 करोड़ का आंकड़े से दूर नजर आ रही है। पहले ही दिन 44 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन भले बॉक्स ऑफिस पर सलमान के लिए सबसे बड़ा ओपनिंग डे रहा, लेकिन ये शुरुआत उतनी जोरदार नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी। टाइगर 3 को बॉक्स ऑफिस पर अब 5 दिन हो चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई तो ठीक ठाक बनी हुई है, लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। करण जौहर अपने शो कॉफी विद करण के 8वें सीजन के साथ वापस आ चुके हैं। शो के पहले एपिसोड के साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की ढेरों गॉसिप भी सामने आ चुकी है। इसी कड़ी में शो के 4थे एपिसोड में करीना कपूर और आलिया भट्ट काउच पर नजर आए, जहां दोनों ने कई ऐसी बातें बोली जो फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई है। इन सबके बीच करीना ने गदर 2 स्टार अमीषा पटेल के साथ अपनी कैट फाइट पर भी कमेंट किया है। दरअसल शो के दौरान करण ने करीना से गदर 2 की सक्सेस पार्टी में ना पहुंचने को लेकर सवाल किया, जिस पर करीना ने बहाना दिया कि वो शहर में नहीं थी, लेकिन करण ने उनके बहाने को नकारते हुए कहा कि करीना शहर में ही थी। इन बातों के बीच करण ने अमीषा पटेल के साथ करीना की हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछा, जिसका करीना ने बड़े ही विनम्रता से जवाब देते हुए कहा, कौन सी हिस्ट्री, मैं केवल इस हिस्ट्री के बारे में जानती हूँ कि उनकी फिल्म ने हिस्ट्री बनाई है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फाइनल मैच को लेकर दिग्गज एक्टर रजनीकांत ने एक भविष्यवाणी कर दी है। सेमीफाइनल मैच देखने के बाद अब रजनीकांत ने साफ कह दिया है कि इस बार वर्ल्ड कप तो भारत ही लाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजनीकांत का कहना है कि सेमीफाइनल के दौरान पहले तो मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन बाद में जब विकेट गिरते गए तो सब ठीक हो गया। उस 1.5 घंटे के दौरान मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि विश्व कप हमारा ही है। पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम की वेलकम पार्टी में बी टाउन के कई दिग्गज सितारे नजर आए। अभिनेत्री सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें शाहरुख खान अपने पूरे परिवार और अनिल कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा ने 16 नवंबर 2023 को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ग्रुप फोटो शेयर की है। तस्वीर में सोनम और आनंद के अलावा शाहरुख खान, सुहाना खान, आर्यन खान, गौरी खान और अनिल कपूर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीर में किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बुधवार को आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की जीत भारत की हुई। न्यूजीलैंड और भारत का सेमीफाइनल देखने के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कई सितारे नजर आए। अनुष्का शर्मा जब अपने पति विराट कोहली का सपोर्ट करने के लिए पहुंची, तो वहीं रणबीर कपूर अपनी आगामी फिल्म एनिमल का प्रमोशन करते दिखाई दिए। सेमीफाइनल में यूं तो कई मोमेंट फैंस और सितारों का दिल जीतने वाले थे, लेकिन एक पल विरुष्का फैंस के लिए सबसे खास था। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने सेमीफाइनल में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए 50 ओडी सेंचुरी कंप्लीट की। जैसे ही विराट ने 50वां शतक बनाया, अनुष्का शर्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह अपने पति विराट कोहली को फ्लाइंग किस देने लगी। फिलहाल बी टाउन की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए बीसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।